एकम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। देश दुनिया के खबरां लेके हाजिर हाँ ऋषि सिंह राही झात मारते हाँ पहली खबर से। कनेडा च अमरीकी प्याजा नाल फैले सैलमोनेला प्रकोप नाल 300 तो वध लोग बीमार पाए गए हैं। शुक्रवार को जारी किए अपने ताज़ा अपडेट च कनेडा की पब्लिक हैल्थ एजेंसी ने कहा कि देश च 343 मामलों की पुष्टि हुई है। इन्हां चों 100 मामलों की पुष्टि पिछले हफ्ते हुई सी। PHAC ने लोगों को चेतावनी दी है कि बेकर्सफील्ड कैलिफोर्निया के थॉमसन इंटरनेशनल इंक का कोई भी प्याज ना खाण ते ना वेचण। एजेंसी ने यह भी कहा कि जेकर तुहानू पता नहीं लगता है कि लाल पीला चिट्टा या मिठा पीला प्याज कित्थों दा है तो उसनू ना खाओ। पब्लिक हैल्थ एजेंसी का कहना है कि इस गल का कोई सबूत नहीं है कि कनेडा चुके प्याज भी सैलमोनेला फैलने नाल जुड़े ने। PHAC का कहना है कि लोग जून के अंत तक जुलाई के अखीर से बीमार होना शुरू हुए। हुण तक 48 लोगों को हस्पताल में दाखिल करवाया गया। जिहड़े बीमार हुए ने उन्होंने घर रेस्टोरेंट और रैशी देखभाल सहूलतों से लाल प्याज खाने की जानकारी दी है। सैलमोनेला संक्रमण कारण बुखार ठंड लगना दस्त सिर दर्द उल्टी वर्गे लक्षण दसते हैं। हुण तक इसके 208 मामले अलबर्टा ब्रिस्टल कोलंबिया 78 सस्कैचवान 19 मैनिटोबा 19 ओंटारियो 8 क्यूबक 6 प्रिंस एडवर्ड आइलैंड 1 मामला पाया गया। अमरीकी डाक सेवा ने सूबों को चेतावनी दी है कि वह नवंबर में होने वाली राष्ट्रपति चोणों के लिए मेल द्वारा पाए गए वोट पत्रों की गिनती की गरंटी नहीं दे सकता। यह भी कहा गया कि इस नाल इस गल की संभावना मजबूत हो जाती है कि लखां वोटर अपनी वोट की वरतों करन तो वांझे रह जाएंगे। डेमोक्रेट्स ते कांग्रेस नूं लिखे पत्र च पोस्टमास्टर जनरल लुईस ने कहा कि सूबियां नूं भेजे गए चेतावनी पत्र च इस गल की संभावना जताई गई है कि मेल इन बैल्ट विच कई अमरीकी नागरिक अपनी वोट तो वांझे रह जाएंगे। उन्हां वोटां दी गिणती नहीं हो सकेगी। लुईस का कहना है कि यह सब जानबूझ के नहीं किया जाएगा। इस दौरान ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी का कहना है कि पोस्ट ऑफिस नूं अधिकारियों ते वोटरां नूं इस ते विचार करने कहा जाए। अमरीकी राष्ट्रपति चोणां च डोनाल्ड ट्रंप ने मेल इन वोटिंग की प्रक्रिया से तमाम सवाल उदों चुके हन जदों उन्हां दा सख्त मुकाबला डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन नाल हो रहा है। हालांकि ट्रंप ने मेल के जरिए अपनी वोट पाई है, लेकिन उसने इस प्रक्रिया नूं व्यापक तौर पर लागू करने की कोशिश की है। विरोध के पिछे राष्ट्रपति ट्रंप का तर्क है कि इस मतदान में धोखाधड़ी बढ़ेगी, इस तो इलावा चोन प्रक्रिया होर खर्चा होगा। लाल किले तो अपने संबोधन च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया से भी जोर दिता। उन्होंने कहा कि ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम देश के 6 लाख पिंड जाएगा। यह काम 1000 दिनों पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले साढ़े देश सिर्फ 5 दर्जन पंचायतों ऑप्टिकल फाइबर से। पिछले 5 साल ऑप्टिकल फाइबर यानी इंटरनेट सेवा 1.5 लाख पंचायतों प्रदान की गई है। हुण बदले हुए हालात पिंडां नूं डिजिटल बनाउणा जरूरी है, इसलिए 6.5 लाख पिंडां च ऑप्टिकल फाइबर विछाउण दा काम होवेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि सारे पिंड एक दूजे नाल डिजिटल रूप नाल जुड़न दे योग हो जाणगे। उन्हां कहा कि डिजिटल इंडिया मुहिम ने कोरोना के समय च एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले महीने तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए का लैण देण कल्ले भीम ऐप राही होया है। साइबर खतरे को देखते हुए PM मोदी का कहना है कि भारत इस संबंध सुचेत है ते इन्हां खतरों का सामना करने लई फैसले लै रहा है अते निरंतर नवीं प्रणालियों का विकास भी कर रहा है। देश की क्रमी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति तैयार की गई है। आपने देखा होगा कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस एक प्रकार से कल्चर बन गया है। आप देखिए ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजेक्शन वो भी कैसे बढ़ रहे हैं। भीम UPI गत 1 महीने में, यानी किसी को भी गर्व होगा कि भारत जैसे देश में UPI भीम के द्वारा गत 1 महीने में 3 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। ये अपने आप में हम किस प्रकार से बदली हुई स्थितियों को स्वीकार करने लगे हैं, ये इसका नमूना है। आप देखते हैं 2014 से पहले हमारे देश में 5 दर्जन पंचायतें, 5 दर्जन पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर था। गत 5 वर्ष में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंच चुका है, जो आज इतना मदद कर रहा है। सभी पंचायतों में पहुंचने के लक्ष्य के साथ हमने काम शुरू किया था। जो 1 लाख पंचायतें बाकी हैं वहां भी तेजी से काम चल रहा है, लेकिन बदली पड़ी हुई परिस्थिति में गांव की भी डिजिटल इंडिया में भागीदारी अनिवार्य बन गई है। गांव के लोगों को भी इस प्रकार की ऑनलाइन सुविधाओं की जरूरत बढ़ गई है। इसको ध्यान में रखते हुए पहले जो हमने कार्यक्रम बनाया था,
हर पंचायत तक पहले पहुंचेंगे। लेकिन आज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अब हमने तय किया है कि सभी 6 लाख से ज्यादा जो हमारे गांव है उन सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। जरूरत बदली है तो हमने प्रायोरिटी भी बदली है। 6 लाख से अधिक गांवों में हजारों लाखों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का काम चलाया जाएगा और हमने तय किया है 1000 दिन के अंदर अंदर देश के 6 लाख से अधिक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काम पूरा कर दिया जाएगा। आजादी दिहाड़े मौके पाकिस्तान और चीन दोवां तों लगातार खतरे की चेतावनी दिंदिआं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सरहदां ते दुश्मन नाल लड़न च पंजाब हमेशा सब तो अगे रहा है। इतिहासक मौके से तिरंगा लहराउण तों बाद अपने सुतंत्रता दिवस भाषण दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरहदां ते तनाव जारी रहने कारण भारत नूं किसी भी घटना नाल निजिठण लई तैयार रहना पवेगा। चीनी फौजां वल्लों भारतीय सैनिकां उत्ते होए ताजे हमले नूं याद करदिआं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जिथे पाकिस्तान च हर रोज़ गोलाबारी हो रही है दूजे पास चीन दोस्ती की गल करता है पर साड़ी कौम लई खतरा बनया होया है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा ही पाकिस्तान नूं ढुकमा जवाब दिता जो उन्होंने निजिठण का एको रस्ता है कि दुश्मनी सिर्फ ये नहीं दुश्मन साडा ये महामारी दुश्मन साढ़े बॉर्डर पर भी है पाकिस्तान दे विच है जिथे रोज गोलियां चलदियां ने जैसे मैं पहला कहा सी कई लोग शहीद होंदे ने सारा बॉर्डर उत्थे पाकिस्तान के नाल गल चलदी है कि उन्होंने दिमाग से पता नहीं लेकिन जिनी वो करते हैं असं भी उन्हें ही करते हैं अगर एक गोली और चलाते हैं साढ़े भी 5 चलाऊंगे आही तरीका है इन्हों समा समझाने का और यही है चीनिया देखने तुम किस किस्म के लोग ने एक पास हिंदी चीनी भाई भाई के नारे दोस्ती पाने के नारे और दूजे पास जलों साढ़े कुछ जवान और अफसर गए उन सरहद को देखने लिए अपने डंडे कढ़े जिन्हों के सिखा वगैरह पाई हुई सिया और साढ़े बंद उन्होंने मारिया साढ़े शहीद होए 20 बंदे लेकिन बात रही है भी देखो एक गुरतेज सिंह सी साडा थर्ड पंजाब का जो मानसा के कोल उनका पिंड है उस कले मुंडे ने उन्होंने घातक प्लटून का एक सी थर्ड पंजाब का उन्हें कले ने जाके 12 उन्होंने चीनिया बगैर कोई हथियार शहीद किया। फिर जो 13वें नूं जा रहा सी पिछों एक चीनी ने आके उन्हें पिट के छुरा घोंप दिया इस किस्म के कायर ने लोग तो आपां नूं तैयारी करनी पवे उस वास्ते भी पंजाब साडा एक सरहदी सूबा है पाकिस्तान के नाल लगदा है और चीन साथों दूर नहीं है सानू तैयारी रखनी पऊ अपने कि जदों देश साडी नूं साडी लोड़ है तो पंजाबी उसी तरीके नाल जैसे करदे आए ने मुढ़ता तो वो देश वास्ते तैयार होकर सीना तार के भारत ते पाकिस्तान दोवें मुल्कां विचकार मजबूत सांझ स्थापित करने लई जतनशील हिंद पाकिस्तान दोस्ती मंच फोकलोर रिसर्च अकैडमी साफमा ते पंजाब जागृति मंच वल्लों इस साल भी अपनी लड़ी नूं अगे वधाउंदे होए करोना महामारी दौर च सिहत विभाग दीआं हिदायतां दे घेरे च रहि के हिंद पाकिस्तान मित्रता मेल संकेतक तौर पर बड़े ही प्रभावशाली ढंग नाल करवाया गया। प्रोग्राम आजादी दिहाड़े तो पिछली रात नूं होया इस उपरंत करवाए संखेप समागम दौरान पत्रकारां नाल गल्लबात करदे हुए हिंद पाक दोस्ती मंच के जनरल सकत्तर सतनाम सिंह माणक का कहना है कि भारत ते पाकिस्तान दीआं हमख्याली संस्थावां वल्लों सांझे तौर पर यतन करदे हुए पिछले 24 सालों तो लगातार वाघा सरहद ते मोमबत्तियां जगा के अमन ते दोस्ती का पैगाम दिता जांदा है। अज जिहड़ा असीं जिस तरह तुसीं जिक्र कीता 25वां हिंद पाक दोस्ती मेला मनाया उहदे आखिरी प्रोग्राम वजों असीं इत्थे वाघा बॉर्डर ते मोमबत्तियां जगाउण आए हां। ये मोमबत्तियां दोनों देशों के जिहड़े 10 लाख लोग देश की वंड समय मारे गए उन्हां दी याद विच भी है ते इस तों अलावा दोनों देशों के विचकार अमन ते दोस्ती का पैगाम देने लई भी है। ये मोमबत्तियां जगाउण आए हैं इस तों पहलां असीं सवेरे 10 बजे जिहड़ा मोमबत्तियां गीत जिहड़ा वो रिलीज़ किया जिहड़ा डॉक्टर सुरजीत पत्र का लिखा हुआ ते पाकिस्तान के नौजवान गायक जफर अल्लाह लोग का गाया हुआ वो रिलीज़ किया। उस तो बाद फोकलोर सच अकैडमी वालों तैयार किया मैगजीन 5 पानी रिलीज़ किया गया अमृतसर च इस अवसर पर
दोनों देशों के लोगों को अमन का सुनेहा पैगाम देने यदा मेले का डैक्लरेशन जिन्हों ऐलाननामा भी जारी किया। तो ये तो बाद फिर भारत के पाकिस्तान दियां शख्सियतों लैके एक वैबीनार किया गया इंटरनेट पर। उहदे च वी असीं विचारां कीतियां कि दोनों देशों के संबंध इस वेले सब तो भैड़ी स्थिति च है। ये संबंधों नूं सुधारन लई जिहड़े जागरूक लोग आ, बुद्धिजीवी आ, पत्रकार आ, लेखक आ, कलाकार आ, वो की रोल अदा कर सकते हैं ते चर्चा हुई है। इस ये भी फैसला किया गया कि हर दो तीन महीने बाद इस तरह के वैबीनार होण। तो हूँ ये आखिरी पड़ा तो असी मोमबत्तियां जगाना है। तो असी दोनों देशों के लोगों को अपील करते हैं कि वह आपो अपन सरकारां ते प्रभाव पाण ते तां के इस खिते च अमन ते दोस्ती हो सके। तो अतवादी जिहड़ियां वक्खवादी ताकतां आ उहनां नूं दोनों देशों दीआं सरकारां नूं किसी भी रूप च उत्साहित नहीं करना चाहिए। लोगों बॉर्डर खुलने चाहिए आ, आवाजाई लई, व्यापार लई ते लोगों के आउण जाण लई बॉर्डर खुलने चाहिए आ। ये साडा उद्देश है। इस साल कोरोना वायरस करके बड़े हालात खराब सगे, इस करके असी यह सारिया सरगर्मियाँ बहुत घट लोगों लैके तो सरकार हदायतों की पालना करद होतीं। आखिर मैं मीडिया राही जिहड़ा दोनों देशों के लोगों दोनों देशों दरकारों जड़िया हिंद पाक दोस्ती मंच फोकलोर रिसर्च अकैडमी पाकिस्तान पीपल्स इंडिया फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी साफों वालों अपील करनी चाहना कि वह अमन चैन में एक मौका दे ते सारे दुवले मसले गलबात राही हल करन वाले पासे तुरन। जंग ते असिद्धी जंग जिहनू वार एंड प्रोक्सी वार कहने आ उहदे लई कोई थां नहीं हैगी, वह मसलियां दा हल नहीं हो सकदी। शुक्रिया, धन्नवाद। फिलहाल यह सन हुण तक दीआं खबरां, मिलदे अगली वार, तद तक लई इजाजत, धन्नवाद।